जान से प्यार करता हूँ। मुझे जान चाहिए। तुम्हारा प्यार खून बनकर मेरी रगों में गर्दिश कर रहा है। कल शब देखा मैंने। चाय के लिए कितना शोर करते हो तुम? अरे ये क्या? एए, एए! क्या हुआ? ये तुम चुटकियां क्यों बजा रही हो? तुम्हें होश में लाने के लिए मुझे अक्सर कोई ना कोई हरकत करनी पड़ती है। बोलो क्या सोच रहे थे? अपनी तकदीर के बदलते हुए मंजर देख रहा था। रजी प्लीज खुली आंखों से ख्वाब देखना छोड़ दो। नहीं छोड़ सकता। अरे यही तो मेरी जिंदगी है और मुझे यकीन है कि ये एक दिन हकीकत में बदल जाएंगे। ख्वाब देखना गफलत है। अगर कोई ख्वाब तुम्हारे कदमों से लिपट गया तो तुम हकीकत के रास्तों पर चलना भूल जाओगे। मायमा तुम एक बेहतरीन मुसव्वरा हो और लफ्जों में रंग भरने का फन भी खूब अच्छी तरह जानती हो। अच्छा बस छोड़ो। और तुम भी अपना लेक्चर बंद करो और मुझे चाय पीने दो। ये क्या कर रही है? अरे किताबों में फूल रखे जाते हैं, पैसे नहीं। रजी तुम तो जानते हो कि फूल भी पैसों से खरीदे जाते हैं। वैसे भी अगर मैं सब जमा ना करती तो हम इतना कीमती फ्लैट कहाँ से खरीदते? कीमती फ्लैट? अरे इस फ्लैट को खरीदने के बजाय अगर इसे किराए पर ले लेते ना तो बाकी पैसों से कीमती फर्नीचर, कीमती क्रॉकरी, कीमती फानूस, गाड़ी, फ्रिज और टीवी लेकर इसे सजा देते। अगर हम कीमती फर्नीचर, फानूस और क्रॉकरी एक मैदान में भी रखते हैं, तो वो घर नहीं बनता। घर तो नाम है मियां बीवी की मोहब्बत का। वाह क्या बात कही है। आओ इसी बात पर दो घंटे के लिए सो जाते हैं। इधर तो आओ। दीदी पर में तो तुम्हारी नौकरी गई है। उठो जॉब इंटरव्यू है, जल्दी तैयार हो जाओ। ओहो आर्किटेक्ट एक नंबर का, नौकरी क्या मिल जाएगी मुझे? वैसे रजी मैं एक बात, क्या मैं भी जॉब ना कर लूं? भाई मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, साथ साथ चलेंगे। वाह एक्सीलेंट सुपर्ब मार्वलस। अरे हमारे मुल्क की तमाम औरतें तुम्हारी तरह सोचना शुरू कर देना तो हमारे मुल्क के आधे मसाइल कम हो जाए। तुम्हारे बच्चों की शादी के लिए मैंने 10 लाख रुपए का कह दिया है। और हाँ गाड़ी को पार्क करवा दो। जी वीर रुपये सारे रस्ते करोड़ा रुपए का खाब खाते रहे। 20 रुपए दियो ले आओ। तुम्हारा रिक्शा एयर कंडीशन क्यों नहीं है? एयर कंडीशन ही है सर। दुआ करना यार मेरा इंटरव्यू है। उसे भी जाके खाब ना बेचते रहना। हेलो क्या हाल है? नौकरी के लिए जी। मैं भी देखते क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बड़ा घर होगा, कीमती गाड़ी, बैंक बैलेंस। अरे रजी साहब आपको नौकरी चाहिए वो भी हमारी फर्म में? हमारी फर्म की तो किस्मत खुल गई सर। सर आपके सब ख्वाब ऐसे पूरे होंगे ऐसे। ए मिस्टर कहाँ खोए हो? कोई नौकरी नहीं है भाई। नो वैकेंसी भाई, नौकरी कोई नौकरी नहीं है। क्या बात है, चलो यार जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते। जाओ शाबाश। हाउ आर यू? ये शक्ल पे 12 क्यों बजे हैं?
सूरत ही ऐसी है। जॉब मिली? नहीं, जवाब मिला। सो व्हाट? अरे बाबा क्यों परेशान होते हो, तुम एक काबिल आर्किटेक्ट हो, आज नहीं तो कल जॉब मिल जाएगी। अरे हमारे मुल्क में काबिलियत का नहीं, रिश्वत और सिफारिश का राज है। करप्शन के इस दौर में इस मुल्क में नौकरी मिलना कोई आसान काम नहीं। सो डिफिकल्ट टू गेट ए जॉब। यू नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज रजी? व्हाट? तुम बहुत जल्द मायूस हो जाते हो, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि अपने ख्वाबों के इर्द गिर्द दायरे बना लो, वरना तुम्हारी ये ख्वाहिश हमसे हमारे वो चंद प्यार भरे लम्हे भी छीन लेगी जो हमारी जिंदगी का सरमाया है। मायमा, दुनिया खूब से खूबतर की तलाश में है और तुम मुझे समेट कर मोहब्बत के कूजे में बंद करना चाहती हो। माना कि मोहब्बत बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं, और वैसे भी मैं ऐसी नौकरी की तलाश में हूँ जिसमें मैं अपने आप को। अच्छा ओके ओके बाबा, बस अब आंखें बंद करो। ओहो भाई, खुली आंखों के सामने भी नाउम्मीदी के अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। तो मुझे आंखें बंद करने का मशवरा मत दो मुझे। अच्छा रजी प्लीज, सिर्फ दो मिनट आंखें बंद कर लो ना। प्लीज प्लीज, ओनली टू मिनट प्लीज। दो मिनट, सिर्फ दो मिनट। ओ मैं ना घर चैन ना बाहर चैन। आई एम सॉरी सॉरी, देखो ये लो। अच्छा आंखें बंद करो। मैं बंद कर रहा हूँ। खोल लूँ आंखें? आंखें बंद। ओके बंद है। क्या है भाई बताओ तो सही। Surprise! Oh my God, what a surprise! आज मेरी बर्थडे है और मैं भूल ही गया था। भूल गए ना? Happy birthday to you, happy birthday to you. लेकिन मैं आज के दिन कभी नहीं भूलती। You know, I love you for this. और सुनो, ये भूल जाने वाली आदत छोड़ दो, अच्छी नहीं होती। अच्छा बाबा छोड़ दी छोड़ दी। सनी चलो। अच्छा ओ गॉड। Thank you.
खुशबू से यूं महक उठे मेरी जिंदगी के रास्ते। खुशबू से यूं महक उठे मेरी जिंदगी के रास्ते। लगता है तू जमीन कुछ नहीं सोचा, कभी कुछ नहीं। ओह माय गॉड, मैं आधा घंटा लेट हो गया मगर मैंने जरूरी बात करनी थी तुमसे। हाँ दोस्त, हाँ मायमा, कल से मेरे लिए नाश्ते में टोस्ट नहीं होंगे, सुना? सर, नो वैकेंसी। मिस्टर मैनेजर, आपने हमें यहाँ बुलाकर वापस ही भेजना था तो हमें बुलाया क्यों? सवाल मत करें, आप लोगों को जवाब मिल चुका है। अरे ये जवाब सुन सुन कर तो हमारे कान पक चुके हैं। जी चाहता है अपनी ये डिग्रियां और काबिलियत के सर्टिफिकेट फाड़ कर आपके मुंह पर दे मारूं। कैसा शोर है ये? सर, एक आदमी नौकरी न मिलने की वजह से हंगामा कर रहा है, उसे मेरे पास भेजो। आप इस मुल्क के टैलेंट को डीमोरलाइज कर रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं कि हम ये मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क के लिए काम करें। याद रखे, हर कहत खत्म हो सकता है। जिस मुल्क में जहनों का कहत पड़ जाए वो कौमें मफलूज हो जाती है। गुड बाय। सुनिए, आपको शेख साहब ने बुलाया। तुम शफी, शफी तुम्हारी शक्ल सूरत का मेरा एक दोस्त हुआ करता था, नाम था उसका शफीउद्दीन। सर इत्तेफाक की बात है, मेरे वालिद का नाम भी शफीउद्दीन था। आई सी, अजीब कोइंसिडेंट। लेकिन मेरे दोस्त का इंतकाल तो 1971 में हो गया था। सर मेरे वालिद का भी इंतकाल 71 में हुआ था। क्या क्या करते थे वो? सर वो पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, बड़ा नाम था उनका। और गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी रजी। रजी बेटा, तुम्हारे पापा का और मेरा बचपन एक साथ गुजरा है। लोग हमें एक दूसरे की परछाई कहा करते थे। अगर अफसोस, दुनिया के धंधों ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया। मैं शफीउद्दीन की मौत पर इसलिए ना आ सका कि मैं मुल्क से बाहर था। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। चलो दोस्त ना सही, दोस्त का बेटा ही सही। थैंक यू। हेलो, ओह
ऐसे मैं भी खरा दूं बेटा। सर फोन सुनकर आप कुछ परेशान से हो गए, किसका फोन था? मेरी बेटी का फोन था। खैरी तो है ना सर? नजी बेटा बात घर की है, पराए तुम भी नहीं हो। 6 माह पहले मेरी बेटी के शौहर का इंतकाल हो गया था। मैं तो कामकाज में लगा रहता हूं और वो घर में तन्हा रहती है। और बेटा तन्हा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। सर इसमें मायूस होने की कौन सी बात है? आप अपनी बेटी की दूसरी शादी कर दे। शादी नजी बेटा, एक बेवा लड़की के लिए किसी मुनासिब रिश्ते का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर आप इस मुल्क के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपका दामाद बनना तो एक ख्वाब है। नजी बेटा मेहनत करोगे ना तो जिंदगी का हर ख्वाब तुम्हारे कदमों में होगा। गुड लक, गुड लक माय सन। थैंक यू वेरी मच। ये क्या कर रही हो? सॉरी। व्हाट डू मीन बाय सॉरी? सिगरेट क्यों पी रही हो? काम कर रही थी। सॉरी सॉरी माफ किया। अरे मैं माफ, खुश हो जाओ। अच्छा, खुश हो जाओ, आज लकी डे है, खुश हो जाओ। नहीं छोड़ूंगा। नौकरी मिल गई? अरे एक बहुत बड़ी फर्म में नौकरी मिली है मायमा, बस एक दो दिन में अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। अच्छा। लगता है मायमा, लगता है वक्त ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरी मंजिल पर ला खड़ा कर दिया है। अब मैं अपना मुकद्दर बदल डालूंगा। सॉरी सॉरी। कहाँ चले गए थे? टररीनो 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 टररा। देखो रजी, इंसान कितना भी ऊंचा हो जाए आसमान से ऊंचा नहीं हो सकता। मायमा फक्कात से ये खुश बातों का वक्त ही है। एक मुद्दत बाद मेरी उम्मीद की सिया दीवार पर रोशनी की एक लहर उभरी है। मैं इसे एंजॉय करना चाहता हूँ। इतनी मेहनत करूंगा कि दिन रात एक कर दूंगा। वेल डन माय बॉय। आप क्या भाई, रात के 2 बज चुके हैं और तुम अभी तक काम कर रहे हो। आई लाइक इट अंकल। मैं बहुत सी मेहनत करके आप जैसा बनना चाहता हूं। बड़ा आदमी बनने के लिए तुम्हें एक चांस की जरूरत है। तुम चाहो तो वो चांस तुम्हें मिल सकता है। अगर ये चांस कभी एक बार मुझे मिल जाए ना तो मैं इसे भागने नहीं दूंगा। गच्छ नासी बेटा, जिस दिन तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिला था ना उसी रोज मैं लंदन के लिए चला गया था अपने डॉक्टर से ऑपरेशन की डेट लेने के लिए। मुझे याद है जाने से पहले तुमने मेरी बेटी की दूसरी शादी के बारे में शायद कुछ कहा था। जी मैंने तो ठीक ही कहा था। नजी बेटा मुझे तुम पर पूरा यकीन है और तुम पर मुकम्मल एतबार भी है, लेकिन एक जाती सा सवाल है, तुम क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? जी शादी मेरी रजी, सेठ साहब वो भागता दौड़ता वक्त है।
क्यों तुम्हारे सामने आके रुक गया है? इसे जाने मत देना। एक छोटा सा झूठ बोलकर तुम अपने ख्वाबों को हकीकत का चेहरा दिखा सकते हो। नजी, कहाँ खो गया था बेटा? जी वो मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है या? मेरी शादी नहीं हुई? मेरी शादी नहीं हुई? नजी, तुम मेरे बेटे तो हो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम मेरे दामाद भी बन जाओ। जी मैं और आपका दामाद? हाँ, मेरे दोस्त का बेटा अगर मेरा दामाद बन जाए तो मेरे मरहूम दोस्त शफीउद्दीन की रूह को सुकून मिल जाएगा। रात कहां थी तुम राजी? कहीं भी नहीं, वो नई नई नौकरी है ना, इसलिए बॉस को खुश करने के लिए दिन रात काम करना पड़ रहा है। लगता है उनकी खुशी में तुम भी खुश हो। ये 50,000 रुपए हैं। तुम शॉपिंग करना चाहती थी ना, जो दिल में खरीद लेना। लगता है तुम्हारे बॉस तुम पर काफी मेहरबान है। इस कदर मेहरबानी की वजह मैं पूछ सकती हूँ? दिन रात की मेहनत के बाद थका हुआ घर आया हूँ और तुम हो, और तुम हो के हर बात कुरेद रही हो।
डाले, समझने की कोशिश करो। देखो अभी मैंने शावर लेना है, कपड़े बदलने हैं, नाश्ता करना है और फिर दोबारा दफ्तर जाना है। फिर दफ्तर जाना है? ओहो, तुम तो सवाल करके मुझे खामखा डिस्टर्ब कर रही हो। सॉरी, मैं भूल गई थी कि तुम मेरे कमाऊ शोहर हो और कमाने वाले शोहर का मूड देखकर बीवी को बात करनी चाहिए। रजे, मैं तुम्हें दो खुशखबरियां सुनाना चाहती हूँ। पहली बात तो यह है, मुझे नौकरी मिल गई। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम तुम बोरियत से तो बच जाओगे। मगर मुझे एक बात की बहुत फिक्र है, मैं घर को इतना वक्त नहीं दे सकूंगी। अगर हम किसी रोमांटिक जोड़े की तरह एक दूसरे के सामने बैठे रहे ना, तो मेरे सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। और वैसे भी खाली पेट मोहब्बत नहीं हो सकती। जल्दी करो राजी, फूल भी नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये क्या नाश्ता है? हाँ, ये क्या नाश्ता है? ना जैम है, ना अंडा है, ना मक्खन है और टोस्ट तक नहीं है। तुम्हें ना तो कहा था कि इस घर में टोस्ट नहीं आएंगे। तुमने दूसरी खुशखबरी के बारे में नहीं पूछा? मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं फिर किस दिन पूछूंगा। अरे हटाओ इसे, इतना वक्त लगा दिया है। जल्दी करो, दूसरा बोर्ड लाओ, यहां पर लगाओ, इस तरफ। अरे जल्दी करो भाई, जल्दी करो, नए साहब के आने का वक्त हो गया है। हेलो, तुम ठीक तो हो? हाँ भाई ठीक हूँ, क्या बात है? जॉब कैसे जा रही है? भाई ठीक जा रही है, बोलो क्या बात है? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपनी जॉब के बारे में बताया था? बताया था, फिर? मैं उन लोगों से आज शाम मिलने जा रही हूँ। ओहो, जाके मिल लो भाई। भाई क्यों तंग कर रही हो? रजी, मैं फूल बात कर रही हूँ। ओ फूल डार्लिंग, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हें इसलिए फोन किया है। आज का डिनर बाहर नहीं, पापा के साथ करेंगे। वक्त पर आ जाइएगा वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम कहो और मैं ना हूँ, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल वक्त पे पहुंच जाऊंगा मेरी जान। ये फूल दिखाई नहीं दे रही। जी वो तैयार हो रही है, बस आने ही वाली है। वो तुम्हारे बारे में कुछ शिकायत कर रही थी मुझसे। जी मेरे बारे में? मगर मैंने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। आई हैवन्ट डन एनीथिंग। तुम गलत समझे। वो कह रही थी कि नई नई शादी है और उसे लेकर अभी तक स्विट्जरलैंड नहीं गए। भाई उसे ले जाओ ना, आखिर इसमें हर्जी क्या है? जी मैं अपनी पहली फुर्सत में उसे स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा हनीमून मनाने के लिए। बहुत फरमाबरदार बेटे हो। थैंक यू सर।
जानते हो आज का डिनर मैंने क्यों अरेंज किया था? जी नहीं। सिर्फ इसलिए कि कल सुबह मेरी अमेरिका के लिए फ्लाइट है। जी। और परसों वहां मेरी ऑपरेशन डेट है। तुम तो जानते हो मैं दिल का मरीज हूं, हो सकता है जिंदा वापस ना लौटूं। आपको कुछ नहीं होगा सर, आप सेहतमंद वापस लौटेंगे। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। I'll pray for you। जानता हूं रजी बेटा, दुआएं तकदीर के रुख बदल देती। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे बाद फूल का ख्याल रखना बेटे। ओह माय चाइल्ड, हाउ आर यू? बेटर, इतनी देर कहां लगा दी? आई एम सॉरी पापा, तैयार होने में थोड़ी देर हो गई। जूस पियो ना। हाँ रजी बेटा, तुम्हें गाड़ी रखने का शौक है ना? जी हाँ। ये लो बेटा नई गाड़ी की चाबी, आज से ये गाड़ी तुम्हारी। ओह थैंक यू। और मेरे जाने के बाद मेरा सारा कारोबार तुम डील करोगे। बुलाओ। सर मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। थैंक यू सो मच। मैं गाड़ी देखो। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत शौक है इसे नई गाड़ी का। जी जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बोल, ये मायमा है। हेलो, हाउ आर यू? बहुत अच्छी मुसव्वरा है, मैंने सोचा तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का एक पोर्ट्रेट क्यों ना बनवा लिया जाए। ओह श्योर पापा। सर थैंक यू वेरी मच, इतनी अच्छी गाड़ी है, इतनी अच्छी गाड़ी है, मैं आपको बता नहीं सकता। सो नाइस ऑफ यू। यू आर वेलकम माय सन। फूल, हम उस गाड़ी में घूमेंगे, फिरेंगे, ऐश करेंगे और खुशियां मनाएंगे। मायमा, क्या आप रजी को पहले से जानती हैं? पहले नहीं जानती थी। मगर आज जान चुकी हूं। मगर आपकी आंखों में आंसू? एक औरत दूसरी औरत की आंखों में आंसू देख तो सकती है, मगर मुझे आज पता चला है कि वो उनको समझ नहीं सकती है। मायमा, डिनर नहीं करोगी? नहीं, शुक्रिया। अजीब औरत है, किसी अफसाने की तरह अधूरी अधूरी सी लगी है मुझे। मैं ये घर ही नहीं बल्कि मुल्क भी छोड़कर जा रही हूँ, मुझे तलाश मिला करना। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू। मायमा, मायमा, मायमा। तुम
अचानक घर से क्यों भाग आए थे रजी? मैंने तुम्हारे पापा से झूठ बोला था फूल। मैं पहले भी एक बीवी का शौहर हूं। वो पेंटिंग बनाने वाली कोई गैर नहीं, मेरी बीवी है। ये जानकर के मैंने दूसरी शादी कर ली है। वो मुल्क छोड़कर जा रही है और मैं उसे रोकना चाहता हूं। ठीक है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मैं आपकी बीवी को मना लूंगी। हम एक साथ रहेंगे। इन दोनों में से कुत्ता कौन है? अभी पता कर लेते हैं। सलाम अलैकुम जी। अरे वालेकुम सलाम खान साहेब। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो अताई है, इसको क्या तमीज। खास सबों का इस्तकबाल कैसे करते हैं, माशाल्लाह। जो हम बजाया है तुम्हें क्या पता तुम क्या क्या बजा सकती हो। What nonsense? मेरा मतलब है, मैं कभी लेट नहीं होता। बेबी को जगा दें, उनके म्यूजिक का टाइम हो गया है क्लास का। सुभान अल्लाह बेबी, ऐसी लायक बच्ची। मैं भाटी में रहता था। भाटा लोहारा? सुभान अल्लाह, इतनी सी भाटी में रहता था, उसको खुला कर दिया है। मैं भाटी में रहता था, अब एक कनाल की कोठी लेके दी है बेबी ने डिफेंस में। सुभान अल्लाह बेबी, प्रिंसेस है प्रिंसेस।
अरे मोटे सब बंद कराओ, मिक्की माउस बंद कराओ। मैं अभी जाता हूँ, प्रोग्राम बंद कर देगा। मैं अभी आया। सुनो, ये लड़की है या लड़का? लड़की है सर, इसका नाम जिम नहीं जमीन है। बचपन में इसको अपने भाई से बहुत प्यार था, उसकी अचानक मौत ने इसे ऐसा बना दिया, तब से ही लड़का बन गई। बिल्कुल ठीक थी, गुल्लू से खेलती थी और सुर्खी लगाती थी सर। जिम बंद कर दे इसे, खुदा का वास्ता है बंद कर दे इसे, वरना वो बुड्ढा पापा तेरा कोर्ट मार्शल कर देंगे। नहीं बजाता, समझ नहीं आती अंकल, मेरे ड्रम बजाने से न जाने क्यों इतना एलर्जी है। सॉरी, नहीं बजाता, एक ही शौक है और वो भी किसी को पसंद नहीं। देख यार, तू अपना ये शौक बंद कर और मेरी मोहब्बत के बारे में सोच। आज आज मास्टर ने फिर सबके सामने मुझे जलील किया है। वो कहते हैं मैं चांद को आई लव यू नहीं बोल सकता। ठीक कहते हैं, एकदम ठीक कहते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि किसी लड़की को फंसाना या आई लव यू कहना क्या मुश्किल है, डूब के मर जा। मैंने एक वक्त में छह छह फंसा रखी है फोन पर मगर मुझे एक बात समझ नहीं आती। यू आर सो स्टूपिड, उस लड़की के सामने जाकर आए तेरी बोलती क्यों बंद हो जाती है, हैं? यार वो है ही ऐसी, जब उसे देखता हूँ आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है। जब वो सामने आती है जिसमें कब कभी आ जाती है। अबे छोड़ ना यार, मेरी नजर भी मर्द की नजर है, कहने में क्या है। जरा हम भी तो वो लड़की देखें जिसने मेरे यार की मत मार दी है। एक मिनट, और तेरे साथ अच्छी भी बहुत लगेगी। अगर तू इसमें ना मरता तो मैं इसे फंसा लेता फोन पर फंसा लेता है। नाम तेरा जमीन, जमीन मोनस और रखा हुआ जिम मुजक्कर हो शी, फिर क्यों बनती हो ही? ओए जबान संभाल कर बात कर, वरना ये जो तेरे कराटे शराटे है ना, चीचा पूछू निकाल कर फर्श पे गिरा दूंगा। गा फिर से गा, ये जो तेरा ढोल है ना, ढोल ये तेरे गले में लट। ए, तेरे को कितनी बार बोला मुझे चिकना मत बोला कर। बात सुन चिकने, तुझे याद है बचपन में तेरी इंग्लिश की टीचर मुझे कितना प्यार करती थी, हर वक्त गोद में उठाए फिरती थी। वो तो शुक्र है उस वक्त मैं छोटा था और हमारे पास फोन नहीं था, वरना उसे भी फंसा लेता। यार, तू शुरू से बहुत चालू रहा है। तेरे से तो बेहतर हूँ। क्यों क्यों क्यों? यार चिकने, मुझे याद आया तूने मुझे कहा था जेलर अंकल जो है वो चांद के अबू के जानने वाले हैं। सुन ना, तो सिंपल वो चांद के अबू से जाकर तेरे लिए रिश्ता मांग ले। नहीं यार, मैंने अपने पापा को खुद कसम दी अपनी, उनसे कहा कि ये काम मैं ही करूंगा, और जो लड़की मुझसे प्यार ही नहीं करती मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। जब तक मैं खुद उसे आई लव यू नहीं कह लेता अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करके। यार
उससे तो आई लव यू नहीं कह सकता। बेहतर है किसी और लड़की को कह दे। नहीं नहीं, मुझे चांद चाहिए। लाइट्स क्यों ऑफ है? मेरा सामान भी बाहर पड़ा है। मामा क्या बात है मामा, ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह मामा, व्हाट अ सरप्राइज, मैं तो भूल ही गया था कि आज मेरी बर्थडे है। मगर मैं आज का दिन कभी नहीं भूलती, शायद इसलिए कि तुम्हारी और तुम्हारे पापा की बर्थडे एक ही दिन होती है। आई नो मामा, इसलिए मैं हर साल अपनी बर्थडे का केक उन्हीं का नाम लेके काटता हूँ। अच्छा मैं एक बात बोलूं बेटा, अब तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो चुकी है, ये अकॉर्डियन बजाना और चांद की तस्वीरें लेना छोड़ दो, फाइंड अ जॉब। मैं सालों से आर्ट गैलरी में काम कर रही हूँ, अब मैं थक गई हूँ। अगर तुम्हें नौकरी मिल गई देन आई कैन रिटायर आराम से। ओहो मामा, नौकरी करनी है ना, वक्त आने पर कर लूंगा। और वैसे भी मामा, मैं चांद की सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचता बल्कि उसके बारे में सोचता भी हूं कि काश ये चांद कभी मेरे लिए जमीन पे उतर आए। बेटा ये चांद चेहरे और ख्वाब अक्सर धोखा दे जाते हैं, ख्वाब देखना गफलत है। अगर जिंदगी के रास्तों पर चलते चलते कोई ख्वाब तुम्हारे कदमों से लिपट गया ना, तो हकीकत के रास्तों पर चलना भूल जाओगे। मामा मेरे ख्वाब एक दिन जरूर पूरे होंगे। मामा, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये आंसू नहीं, खामोश एहतजाज है उन लोगों के लिए जो खुद तो ख्वाब देखते हैं लेकिन अपनों के लिए जिंदगी की तरह ताबीरें छोड़ जाते हैं। जान भी दे दो, तू कहे ओ जाने जाना, जान भी दे दो, तू कहे ओ जाने जाना। तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है मान।
मां कहा करती है कि ख्वाब देखना बुरी बात है, क्योंकि अगर कोई ख्वाब जिंदगी के रास्ते में कदमों से लिपट जाए ना, तो इंसान हकीकत की सड़क पर चलना भूल जाता है। तुम मेरे ख्वाबों की ताबीर हो, मेरी जिंदगी की तहरीर हो। तुम चांद हो, चांद। मैं कहां खो गया।
कुछ नहीं तेरे बिन ये पता चला क्या मुझे हो गया तुझे देखा तो क्यों लगा कुछ नहीं तेरे बिन तुझे देखा तो यूं लगा कुछ नहीं तेरे बिन ऐसा बोलो क्या बात है अबे जल्दी यहाँ पहुँच जा मैं हाँ ओके ओहो भाई आखिर इतनी रात को क्यों बुलाया है मुझे मैं घर में एंजॉय कर रहा था अबे ऐसा बोल ऐसा बोल ऐसा हाँ अंदर मामा सो रही हैं हाँ हाँ क्या है नहीं 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 जो मेरे कान की टूटी गुम हुई थी मिल गई अरे बेवकूफ वो नहीं मिली है? अगर मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर मिल गई ये देख मेरे ख्वाबों के आसमान पर चमकता हुआ चांद हाँ लेकिन ये तो पाकिस्तानी ब्यूटी है तुम्हें तो पाकिस्तानी ब्यूटी पसंद ही नहीं है, है? आखिर पाकिस्तानी निकले ना मैं ना कहता था कि पाकिस्तानी ब्यूटी इज ब्यूटीफुल यस लेकिन ठहरो पहले इस मैगजीन की डेट चेक करनी पड़ेगी क्यों हो सकता है ये मैगजीन पुराना हो हम इस लड़की से मिलने जाए और ये टाइटैनिक वाली माई बन चुकी हो जल्दी चेक कर जल्दी चेक कर जल्दी चेक कर ये चांद तो पाकिस्तान में चमक रहा है चलो पाकिस्तान चलते हैं पाकिस्तान चले अरे माँ तुझे अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देगी देख जिमी ये मेरे ख्वाबों की ताबीर है मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता कुछ सोचना यार कुछ सोचना यार कुछ सोचना सोचना यार सोचना सोचना यार प्लीज प्लीज सोचना पड़ेगा आइडिया आ गया अगर अपने ख्वाबों की ताबीर चाहते हो तो मां से झूठ बोलना पड़ेगा झूठ हाँ झूठ मुझे मंजूर है तुम्हें हर वक्त मां कहती रहती है ना कि नौकरी तू उसे कह दे कि मुझे पाकिस्तान में नौकरी मिल गई है अगर ये कहने में तू कामयाब हो गया तो समझ ले तेरे ख्वाबों की ताबीर चांद तुम्हारी हुई लेकिन मैं पाकिस्तान में नौकरी करूंगा क्या बस वो यार कह देना पकौड़ों की फैक्ट्री में कंप्यूटर पे काम करना है अबे ठीक से बोल वो माँ से कह देना मुझे कंपनी की ऑफर आई है बस फिर मैं तुझे पाकिस्तान से नौकरी का ऐसा लेटर मंगवा के दूंगा कि माँ देखते ही कहेगी टिकट टिकट आओ लैंड में आओ टिकट टिकट आओ लैंड में आओ जाओ वे बच्चे हो जाओ खस बनो खाओ जैन ये घर में क्या गंद मचाया हुआ है पूरा दिन रसाले पढ़ते रहते हो आजकल क्या हो गया तुम्हें जवाब दो हाँ किन सोचों में घूमो अपनी तकदीर के बदलते हुए मंजर देखना ये तुम्हारे हाथ में क्या है ये ये अपॉइंटमेंट लेटर है मामा एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर हो रही है अच्छा लेकिन आप तो नौकरी करने के मूड में नहीं थे अरे मामा आपकी नसीहतों ने एकदम मेरा मूड बना दिया आई शुड डू दिस जॉब मामा और एक दफा अगर मैं इस जॉब में सेट हो गया ना मामा तो आपको सारी जिंदगी काम नहीं करने दूंगा और आप कहां करेंगे नौकरी वो मामा मैं पाकिस्तान जा रहा हूं नहीं तुम वहां नहीं जाओगे मैं तुमसे इतनी दूर रहकर कैसे जीऊंगी क्यों भूलते हो मेरी दुनिया तुम्हारी
तुम्हारे वजूद से ही आबाद है। ओहो मामा, आखिर मेरे वहां जाने में हर्जी क्या है? इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है मामा, और मैं जाती रहायश का बंदोबस्त भी कर लूंगा, और आपको अपने पास बुला लूंगा। और वैसे भी मामा, मैं बड़ा हो गया हूं। तू बड़ा नहीं हुआ बेटा, मेरे हाथ छोटे हो गए हैं। बच्चे तीर की तरह होते हैं और मां बाप कमान। मां बाप को चाहिए तीर को पूरी ताकत से खींच कर छोड़े, लेकिन उसकी सिमत ना रखे, उसे अपनी सिमत खुद तलाश करने दे। जा अपनी सिमत तलाश कर। मामा, आपकी दुआओं के साए में जा रहा हूं, खो नहीं सकता। उधर देखिए, आपके पास चांद छोड़े जा रहा हूं। जब भी मेरी याद आई ना, इससे बातें जरूर कीजिएगा बेटा, बातें जरूर कीजिएगा। हिम्मत पैदा कर रहे हो पापा, हिम्मत। मेरा बेटा हो कि अभी तक हिम्मत बांध रहे हो? मुझे देखो, अभी तक हिम्मत है? मां से पूछो, कितने नालायक लोग हैं ये, कहां प्यार किया तुमने? व्हाट प्रॉब्लम सर, आपका कुत्ता गुम हो गया है? माय गॉड, मिल गया है, आउट। मैं बरतानिया की आर्मी में था, चल मेरा क्लास फेलो था, यू नो। और ये फिरौन का क्लास फेलो किधर से आ गया? लो बेटा जी, मेरा भांजा आ रहा है हांगकांग से, और आपको पता है जो भांजा होता है वो बहन का बेटा होता है। गो हमारी बहन हमसे दूर रही, लेकिन हमने ताल्लुक नहीं तोड़ा। अब मैंने उसे रिसीव करना है और फिर सालगिरह के दिन आपकी खिदमत में पेश करना है। ओह माय गॉड, कौन है ये भांड, हु इज ही? हमने पूछा है कि हाउ इज ही।
सिंदूर कुड़िए पटाखा इन मिलना जरूर है अखियां में लाल राणो कानू सा तो दूर तेरे नीले नैना तू दिल मखमूर ले आमी कर दे आने में देर तो नहीं हुई। कोई ऐसी बात नहीं है मामू जान, आप आए बाहर आ गई, लेकिन गाड़ी कहाँ है? बेटे 0 मीटर गाड़ी घर के गैराज में खड़ी है। आज सुबह पेट्रोल महंगा हो गया, मैंने कहा इसको खड़ी रहने दो, ये मैं किराए पर लाया हूँ। जाती है इसी तरह खड़ी रही ना तो बड़ी चलेगी। बेटा घर से निकलेगी नहीं तो चलेगी कैसे? जाके ढूंढना उसे। चलते यार, मामू आए, क्या बात कर रहे हो? जीते रहो। ये क्या छुपा रखा है? तुम्हारा दोस्त मुझे शक्ल से कुछ परेशान दिखाई देता है। मामू ये पाकिस्तानी हुसन पे रह गया है,
ना मैं रसाला लाता ना ये स्यापा पड़ता। ये बात है, दिखाओ बेटे मामू, दो अरी माँ माँ धन एक मामू। यानी कैसे इत्तफाक की बात है कि ये अपनी बेटी है। आपकी बेटी? चलो चलो, इतनी घटिया लड़की से हमने शादी नहीं करनी। अरे हट चार, आप चपेड़ मार दूंगा तेरी नंगी थां पे। अरे पिछो ना यार, आप उसे जानते हैं? आप मुझे पास से चली। बेटे बात समझ, एक मिनट, ओ एक मिनट, अभी चलते हैं। करोड़पति बाप की अकलौती बेटी है, और कैसे इत्तफाक की बात है कि मैं तुम्हारी इससे मुलाकात करवा सकता हूँ। अच्छा, अभी थैंक यू। ओ माय गॉड, ओए तो मैंने मामा वापस भी करना, क्या हो गया यार? बेटे मैंने मुलाकात करवानी है, खुद गंगा नहीं होना। ओ एक मिनट, करोड़पति बाप की बेटी है और कैसे इत्तफाक की बात है बेटा कि मैं आज तुम्हें शान और शौकत और दबदबे के साथ वहां ले जाऊंगा, क्योंकि आज रात को उसकी सालगिरह है। सालगिरह हुई तो क्या हुआ, मैं भी उसके लिए अंग्रेजी केक लेके आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। एयू जस्ट अ मिनट, आपका पापा का अब्रॉड से फोन आया है। ओ पापा, हेलो पापा, मैं आपसे बहुत सख्त नाराज हूँ और आज के बाद मैंने आपसे कट्टी कर ली है। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, दो माह हो गए आपको अब्रॉड गए हुए और आप मेरी बर्थडे पर भी नहीं आए। ओके फाइन, मैं आपको 10 दिन का वक्त देती हूँ, अगर 10 दिन के अंदर आप ना पहुंचे तो मैं आपके पास आ जाऊंगी। आई एम मिसिंग यू पापा। ओके अच्छा, आप कम से कम हैप्पी बर्थडे तो कह दें। थैंक यू। ओके पापा, मैं आपका इंतजार करूंगी। बाय। हाय हाय यू बॉय, कम ऑन कम ऑन, हरी अप, गो गो गो। सुनो, इस पार्टी में चमचे और कांटे जेब में ना रखना, जाओ। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आई एम सॉरी आई एम लेट, एक्चुअली एक पुरानी गर्लफ्रेंड मिल गया था। हेलो मैम, और ईटीएम बदतमीज स्टमक, आई एम सॉरी एक्चुअली ये पुराना वाकिफ कार है, मुहास पे बम मजा करता था। बेटा, ए यू यंग बॉय, हेलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आइए आइए आइए, मैं आपको इस खुशी के मौके पर एक और खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। ओ कम ऑन, सुनाइए ना, कहिए ना। हाँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दरअसल दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि मैं, हाँ याद आया, थैंक यू, मैं तुमसे, कहिए ना, मैं तुमसे बोलो ना, thank you.
किरने उछल रही है, पानी के फर्श पर किरने उछल रही है, बादल के साए से झोंके लिपट रहे हैं, फूलों में हम क्यों न ढल जाए, अपनी ही खुशबू से जल जाए। सुभान अल्लाह बेटा, यानी 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत अच्छा बजाते हैं। थैंक यू। और गाते भी खूब हैं।
थैंक यू। मेरा नाम जैन है। बेटा जी, ये बिल्कुल मेरे बेटों की तरह है, सुभान अल्लाह। और वो मेरा भांजा है जिम्मी। और जिम्मी रख दिया। अल्लाह करे तुम्हें तो कोई मुफ्त रख ले। और तारुफ हो रहा है। हाँ तारुफ हो रहा है। हेलो, हाउ आर यू? ये दोनों माशाल्लाह आज ही हांगकांग से आए हैं, जहाज पे। हाँ, पैदल। एक्सक्यूज मी, बंजर जमीनो, प्लीज डिस्टेंस डिस्टेंस। हरे अप हरे अप। बेटा बेटा, माय बॉय माय बॉय, ये डायमंड का गिफ्ट चांद को दो। डायमंड, ये मैं आपके लिए आपकी आपकी बर्थडे का तोहफा लाया हूं। थैंक यू। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। कितना अच्छा डायमंड दिया है। yes. अंकल, आप कहीं डायमंड मार्केट के इंचार्ज तो नहीं? यू शट अप शट अप। ये लीजिए। ओह माय गॉड। साहब जरा पिछले मोर्चे पे आ जाएं। ओके, नो प्रॉब्लम। बेटा जी, आप भी तो वो तोहफा पेश करें ना जो आपने फ्रांस की संती नुमाइश से खरीदा था बेबी के लिए। डायमंड्स सितारों की तरह होते हैं, और मुझे चांद की सालगिरह पे आना था, जिसके पास तारों से भरा आसमान है, और इस चकोर के पास चांद तक पहुंचने की जुस्तजू। अच्छा है। हैप्पी बर्थडे। ये मेरी बर्थडे का सबसे खूबसूरत तोहफा है। सुभान अल्लाह। लो जी कर्नल साहब, अल्लाह हमारी कौम से झूठ ना बुलवावे। खुशबू बता रही है कि लंगर इज कमिंग। थैंक यू मैम, डिनर इज रेडी। वो वही हुआ जिसका खर्चा था। खाना खाने जाना जिसके लिए जिंदा है। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। खाना बचेगा तो तुम लोग के आगे भी डाल दिया जाएगा। कर्नल साहब, मेरे साथ शोखी नहीं करनी। अल्लाह आपको ऊपर का मुहाज नसीब करे। ऑल गॉड। करियर करियर करियर। कमान कमान। सुभान अल्लाह। टर्ट बटर्ट। माय सन, दुश्मनों को मैंने भगा दिया है, मैदान खाली है। आई एम सॉरी एक्चुअली। यस, आइए कमान आइए कमान दाइमा कमान कमान। एक्सक्यूज मी, व्हाट? मैं आपसे, जी कहिए ना। मैं आपसे I love you too. What happened, my son? What happened? Papa, kiss. Oh my God, you are lucky. No, she kissed you. से जंग शुरू। उस गंजे की ये मजान, मैं उसका हवाई अड्डा तबाह कर दूंगा। सोल्जर फायर।
एक्सलेंट कॉफी मामा, आई लव यू। बेटे का दोस्त है ना, तू यहां है, तू वहां भी होगा जहां मेरा बेटा है। तू उस परदेश में निकला होगा जो कभी मेरा देश हुआ करता था। बेटे से कहना उसकी मामा उसे बड़ा याद करती है। तू आसमान का चांद है ना, तू मेरा चांद है। मुझे चांद चाहिए, मुझे मेरा चांद चाहिए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। यस। उसने तो सुना नहीं, तूने तो सुना है ना। गवार है ना, गवार है ना। देखा है मैंने दिन, मुझे रात चाहिए। सूरज से कोई बैर नहीं, मुझे चांद चाहिए। जब देखा मैंने चांद जो रोके में, किसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। कल जब देखा मैंने चांद जो रोके में, किसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। तुम्हारे धोखे में हो, कल जब देखा मैंने चांद जो रोके में, किसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। मस्त हवा में शामिल थी,
दिखला दी, छुप गई किरने कहीं घटा के पर्दे में। ओ कल सब देखा मैंने चांद रोके में, किसको किया सलाम तुम्हारे धोखे ने। पापा वरना मैं आपसे कुट्टी कर लूंगी। बिलीव मी आई एम मिसिंग यू सो मच। हाँ हाँ मैं आपको एक बात बताऊं, इस बार मैंने अकॉर्डियन सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छे फनकार का इंतखाब किया है। जब आप उससे मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे। ओके आई लव यू पापा, आई से आई लव यू एंड आई एम मिसिंग यू। सी यू बाय। बहुत उम्र है तुम्हारी जैन। मैं अभी भी पापा से तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। मेरा नाम मेरी गैर मौजूदगी में आपकी जुबान पर आया है, ये तो मेरी खुशनसीबी है। अगर तुम अकॉर्डियन प्लेयर ना होते तो शायर होते। खूबसूरती को देखकर खूबसूरत लफ्ज तरतीब देने वाले को शायद लोग शायरी कहते हैं। अच्छा भी शायरी छोड़ो और मुझे अकॉर्डियन सिखाओ। Why not? पकड़ो ऐसे ऐसे ठहरो। तुम एक तुम यहां से पकड़ो। चलो राउंड यहाँ ऐसे। इट्स सो हेवी। हाथ यहाँ रखो ऐसे। ओके ओके अब इसको एकॉर्डियन तुम तो अपना गमला पीछे करो। एकॉर्डियन की आवाज यंग मरासी ऐसा गाओ के हमसे बाजी ले जाए। कमान एक मासूम लड़की का सवाल है। कमान जा रहे हैं। हम अपने मिशन पे जा रहे हैं। और अगर अंदर कुत्ता हुआ तो? खामोश। तुम हमारी बात समझ सकते हो? हाँ। तो फिर लाल में चीजें कुत्ता भी हमारी बात समझेगा। लेकिन सर अगर उसने आप पर अटैक कर दिया तो?
You shut up! सुनो, हमारे बैरक में दुश्मन ने हमला कर दिया है। इमरान को जाके बोलो कि वो चांद को फौरन फोन करे। दिस इज माई ऑर्डर। ओके ओके, मैं अभी इन्हीं को बताता हूँ। ओके चाचा, हमें कुत्ते से बात करनी आती है। देखो और सीखो। हेलो, इमी, अंकल ने इमरजेंसी फोन किया है। तुम्हारी मोहब्बत के मोर्चे पर तुम्हारा दुश्मन हमला कर चुका है। तुम फौरन चांद को फोन करके उसे कराटे के क्लास का बहाना करके यहाँ बुला लो। कैसे बुला लूं? कहाँ से बुला लूं? किस तरह बुला लूं? अभी तो क्लास शुरू होने में एक घंटा बाकी है। Listen to me, देखो, अगर एक घंटा गुजर गया तो तुम्हारा दुश्मन चांद को पता कर लेगा और तुम जगह जगह चांद करते रह जाओगे। तुम्हारी जिंदगी में जल्द आ जाएगा और हो सकता है कि अकॉर्डियन बजाने वाला चांद के लिए नील आर्मस्ट्रांग बन जाए, जिसने चांद पता किया था, यू नो। तुम ठहरो, मैं पकड़ाता हूँ। हेलो हेलो, कौन? मैं इमरान बोल रहा हूँ। इमरान, व्हाट हैपेंड? आई सी। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। यस देन। मैं तो वैसे ही बस, मुझे एक इमरजेंसी हो गई है, सो आई हैव टू गो देयर। सी यू टुमारो देन। I hope you don't mind. Not at all. Bye. Not at all. Hello? Mama? Mama, main Zain bol raha hu. Ha, Zain beta, kaise ho? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा, बिल्कुल ठीक। और नौकरी कैसे जा रही है तुम्हारी? नौकरी भी ठीक जा रही मामा, लेकिन आप मेरे बगैर वहां पर उदास तो नहीं? मेरे लिए दुआ करना मामा कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। मेरा प्यार और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। वैसे मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हूँ। आप उदास ना हो मामा, आप मेरे पास नहीं होती है ना तो मुझे यूं लगता है कि मेरे सर से आसमान हट गया है। आई मिस यू मामा, आई मिस यू। आई मिस यू टू। आई लव यू मामा। आई लव यू टू बेटा। क्या हुआ, ठीक नहीं है क्या? तुम्हारे पापा को बेडिक्स पसंद है? हाँ नहीं, यू नो ही वुड लाइक समथिंग स्पेशल यार। स्पेशल? समथिंग सॉफ्ट, रोमांटिक, मेलोडियस। आइडिया? हाँ, एक धुन है मेरे जहन में, धुन है तो पुरानी, लेकिन आई एम श्योर तुम्हारे पापा को पसंद जरूर आएगी।
जान भी दे दूं तू कहे वो जाने जाना हेलो सर। पापा ये जैन है मेरे म्यूजिक टीचर और जैन ही इज माय डार्लिंग पापा। गुड टू मीट यू सर। ये गीत तुमने कहां सुना? ये गीत मैंने सुना नहीं है सर। ये गीत एक मुद्दत तक किसी की आंखों से टपका है और मैंने दुख में भरे हुए इस पानी को कतरा कतरा पिया है। कौन है वो कौन है जिसने तुम्हें इस गीत की सौगात दी है? देखा जैन, मैंने कहा था ना कि मेरे पापा म्यूजिक लवर हैं। देख लो तुम्हारा प्यारा सा गीत पापा को कितना पसंद आया है ना पापा? पसंद है मेरी स्वीटहार्ट, पसंद है। मगर ये बताओ कि ये गीत तुमने कहां से सीखा है? या वायलिन? ये गीत मैंने सीखा नहीं है सर। जिन आंखों से गम का ये पानी बरसा है उन आंखों का हर गम हर दुख मेरा अपना है और मुझे अपने दुख बांटने की आदत नहीं है सर। सॉरी। गुड
गुडबाय चांद, गुड डे सर। पापा मैं अपने म्यूजिक रूम में जा रही हूँ, बाय। हेलो मामा, मामा मुझे आपसे एक बात करना है। वो मामा मैंने आपसे एक झूठ बोला था। मैं पाकिस्तान अपने उस प्यार की तलाश में आया था जिसका अक्स मैं चांद में देखता था। वो हमेशा मैं जिस चांद को तकता रहता था ना मामा, उस चांद को मैंने जमीन पर देखा है मामा। उसका नाम चांद है, वो बहुत खूबसूरत है मामा। सॉरी मामा, मैंने आपसे झूठ बोला था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं आपको सच बता दूं, क्योंकि मैं आपको चांद के पापा पाकिस्तान आ गए हैं मामा। मामा I love her। मेरी जिंदगी उसके बगैर हमारा उसकी रात है। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी ऐसे है जैसे हम आपस की रात, और हम आपस की रात में चांद नहीं निकलता, बिल्कुल ऐसे जैसे अमावस की रात हो गई मेरी ममता, मेरा चांद नहीं निकलता। तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल चाहता है कि मैं अभी तुम्हारे पास आ जाऊं, बस मैं आ रही हूं। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं चांद से पहले और तुमसे बाद में मिलूंगी। ओह यू ग्रेट मामा, आई लव यू मामा, आई लव यू। तुम चांद हो ना? जी नहीं, चांद हूं। चांद को चांद ही कहना चाहिए, कितना प्यारा नाम है। अच्छा अब ये बताओ, ये नाम तुम्हारी मामा ने रखा या पापा ने? सब कहते हैं मेरी मामा मुझे जन्म देकर अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरा ये नाम पापा ने रखा है। ओह आई एम सॉरी। अच्छा चलो, अच्छा ये बताओ तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा तैयार हो रहे हैं, तब तक आप बताएं कॉफी पियेंगे या चाय? मुझे चाय कॉफी की कोई जरूरत नहीं है, अब तो मैं तुम्हारे पापा से बात करके मिठाई खाऊंगी। इसका मतलब है आपको मिठाई खाने का शौक है। मुझे जिंदा देखकर शायद आपको हैरत हो रही है। नहीं, हैरत नहीं, तुम
तुम्हें देखकर जितनी खुशी हो रही है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हैरत है आप अब तक झूठ बोलते हैं। घबराए नहीं मैं अपना मासी एक मुद्दत पहले अपने सीने की कब्र में दफना चुकी हूं। गुजरे हुए कल की कोई बात मैं आज नहीं दोहराऊंगी। चांद चांद आपकी बेटी है ना? हाँ चांद मेरी बेटी है। मैं तो आपसे चांद मांगकर अपना घर रोशन करने आई थी मगर खुदा का शुक्र है अगर आपकी और मेरी अधूरी सी मुलाकात ना हो पाती तो ऐसा गुना जन्म लेता जिसका कफारा मैं और आप अपनी जिंदगी में अदा ना कर सकते हैं। आप कोई सवाल मत कीजिएगा सेठ साहब वरना जवाब सुनने के बाद आपसे जिंदा रहने की ख्वाहिश रूठ जाएगी। मैं जैन के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई थी सेठ साहब लेकिन बिना मांगे मैं इसलिए वापस जा रही हूं। और लिया था मैं जा रही हूं सेठ साहब। गलत दरवाजे पे दस्तक देने की माफी चाहती हूं। जैन की मामा को पहले से जानते हैं? कोई सवाल मत करो चाहो अपने कमरे में जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। सर यू मे स्पीक मिसेस बगेंजा। सर हम पूछता है वो औरत कौन था जिसकी आंखों में हमको एक साथ शोला और शबनम दिखाई दिया? मिसेस ब्रगेंसा वो औरत नहीं मेरा पिछड़ा हुआ माजी था मेरी कायनात थी जो मेरे लालच की धुन में गुम हो गई। वो मेरी पहली बीवी थी मिसेस ब्रगेंसा। शी वॉज माई फर्स्ट वाइफ मेरी भाई माँ। हम समझ गया सर कि वो कॉडियन वाला आपका बेटा है। आज आपका वाइफ अपने बेटे के लिए जान मांगने आया था बट वो वापस इसलिए लौट गया उसको मालूम हो गया कि चांद आपका बेटी है। आपने उसे बताया क्यों नहीं कि चांद को आपने दूसरा वाइफ के मरने के बाद यतीम खाने से गोद लिया था? आपने उसे क्यों नहीं बताया सर कि चांद आपका सगा बेटी नहीं है? मिसेस ब्रगेंसा एक झूठ बोलकर मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। आज चांद के सामने एक सच बोलकर उसे गवाने का हौसला नहीं था मेरे पास। अगर चांद को पता चलता कि वो मेरी बेटी नहीं है तो उसे मेरे सच का ग्रह लग जाता। ओहो मामा आखिर आप बताते क्यों नहीं है कि सेठ साहब ने क्या कहा है? प्लीज जैन
मुझसे सवाल करके वक्त जाया मत करो। हमें फौरन हांगकांग वापस जाना है। आखिर क्यों मामा, आप इतनी जल्दी वापस जाना क्यों चाहती हैं? मुझे तो बताएं, व्हाई? तुम्हारे सवाल का जवाब जहर की तरह कड़वा है। मामा मैं सच का जहर पीने के लिए तैयार हूं। अगर हौसला रखते हो तो फिर दिल पे हाथ रख के सुनो। वक्त मेरा हाथ थाम कर मुझे उस घर में ले गया जहां पर मेरा माजी रहता है। सेठ मोती वाला कोई गैर नहीं, तुम्हारा बेवफा बाप रजियुद्दीन है। और जान उसी बेवफा की दूसरी बीवी की बेटी है। नहीं मामा, नहीं, तकदीर मेरे साथ इतना बड़ा मजाक नहीं कर सकती। जय, तकदीर ने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया। मुझे आज ही पता चला है कि मैं तुम्हारे पापा की बेटी नहीं हूं। मैं सच कह रही हूं जैन, मैं तो एक लावारिस हूं जिसे परसों पहले सेठ साहब ने गोद लिया था। मुझे उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला जरूर है, मगर उनकी मोहब्बत पर मेरा नहीं तुम्हारा हक है। जाओ, वो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, उन्हें पापा कहकर उनके सीने से लिपट जाओ। जैन! मामा, परसों बाद आज मिलाप की घड़ी आई है। मैं अपने बाप से मिलूंगा जरूर मामा, और इस मिलन को वो एक मुद्दत तक याद रखेंगे। आप मुझे रोकेगा नहीं मामा। सहर, मेरे बेटे, मुझे बेटा न कहिए सेठ साहब, इसलिए कि पत्थर के इस महल में खड़ा हुआ सोने चांदी का ये पुत्र मेरा बाप नहीं हो सकता। आपने मेरी मां को दुख दिए और खुद अपनी खुशियां खरीदते रहे, और मैं अपनी मां के साथ अपनी महरूमियों का मासम करता रहा। मैं ऐसे सकता रहा, बिलकता रहा, मैं बिलकता रहा, अगर बाप की शफकत का हाथ मेरे सर पर रखने आप कभी नहीं आए। हर बच्चा बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखता है, लेकिन मैंने कदम कदम पर ठोकरें खाई है। मैंने आपकी जिंदगी में यतीमों की जिंदगी गुजारी है, यतीमों की सी, और आपसे बेहतर तो वह फरोख था जिसने गैर के बच्चे को अपने सिरे से लगाकर बाप की तरह परवरिश की। आप बहुत जालिम है, बहुत जालिम है आप, इसलिए कि आपने एक बीवी से उसका शान और एक बेटे से उसका बाप जिया है। जैन, आज जाओ चांद, आज जाओ, आज मुझे क्या लेने दो। मैं 22 साल आपके लिए तड़पा हूं, बहुत तड़पा हूं मैं, अब आपको तड़पता है मेरे लिए, मेरी उस मां के लिए जिसने खुदा की तरह आपकी परस्तिश की है, आपकी परस्तिश की है। अब सारी जिंदगी मुझे बेटा कहने के लिए तरसते रहेंगे आप, इसलिए कि मेरी महरूमी ने मुझे यही सिखाया, आपके जुर्मों की साफ यही है, और मेरी मां कहा करती कि ख्वाब देखना बुरी बात है, क्योंकि अगर कोई ख्वाब जिंदगी के रास्ते पर इंसान के कदमों से लिपट जाए ना, तो इंसान हकीकत की सड़क पर चलना भूल जाता है। शेख साहब, चलना भूल जाता है। देन रुक जाओ जैन, रुक जाओ।
मुझे रोका है तो तुम भी सुन लो चांद। तुम्हारी चाहत में मैंने सात समंदर पार किए हैं। तुम्हारा प्यार खून बनकर मेरी रगों में गर्दिश कर रहा है। I love you. मैं अपनी जिंदगी से बढ़कर तुम्हें चाहता हूं। आज तुम्हें अपने बाप के साथ रहना है या मेरा हाथ थाम कर चलना है, इसका फैसला तुम्हें अभी करना होगा चांद। मैं तुम्हारा इनकार या इकरार सुनने के लिए तैयार हूं। बोलो चांद, जवाब दो। फैसला करने का शुक्रिया। मेरा बेटा झूठ क्या है, उसे समेट लो। मंजर मैं नहीं भूल सकता। देखो एमी, कभी कभी आंख का देखा और कान का सुना दोनों गलत हो जाते हैं। ठीक है, चांद ने उसे अकॉर्डियन बजाने वाले का हाथ पकड़ा होगा, लेकिन यार इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। कोई और वजह हो सकती है? हाँ। तुम कहती हो कोई और वजह हो सकती है, जबकि मैं ये कहता हूँ कि अगर तन्हाई में कोई लड़की किसी लड़के का हाथ थामे और उनके दरमियान कोई चक्कर ना हो
मैं नहीं मानता। और कोई चक्कर वक्कर नहीं है यार, तुम बुजदिल हो। देखो अगर तुम चांद को प्यार करते हो तो एक बार उसे आई लव यू कह दो, मुझे यकीन है वो तुम्हें मायूस नहीं करेगी। मैंने कभी चांद के चेहरे पर अपने लिए प्यार की किरण नहीं देखी। देखो इमरान, तुमने पहली बार किसी लड़की को चाहा है, तुम इन लड़कियों को नहीं जानते यार, कि अपने दिल की कैफियत को अपने चेहरे पर जल्दी किसी के सामने नहीं लाती। मेरी मानो, मेरी खातिर एक बार चांद को आई लव यू कह दो, तुझे मेरी कसम है यार। इमरान, ये लम्हे बार बार नहीं मिलते यार, पर तुम शक में पड़कर चांद से मिलाप का वो लम्हा गवा रहे हो जो शायद फिर कभी ना मिले। बोलो यार, फॉर गॉड सेक बोलो यार, यू लव हर मेरी खातिर, हमारी दोस्ती की खातिर। बक अप, बोलो चांद से। बोलो यार, फॉर गॉड सेक बोलो। प्यार करता हूँ। कम ऑन, मैं चांद से प्यार करता हूँ। यस यस, आई लव हर, आई लव हर सिम। मैं ये बोल सकता हूँ सिम। यस आई लव हर। यस लेकिन भूल तो है नहीं। भूल गए? अरे ये तो नकली है, रास्ते में से फूल मिलेंगे भी नहीं। क्या करें क्या करें क्या करें। अरे हाँ, बाहर में जाए फूल यार, तो सिंपल सा लव यू कहकर और किस कर लेना। किस? हाँ, ताकि वो अपने माँ बाप से कहकर तुमसे जल्दी शादी कर ले। किस तो मुझे आती नहीं। किस नहीं आती यार, जैसे इंग्लिश फिल्मों में होता है। अब तुझे आती है? मुझे आती नहीं, लेकिन मैंने इंडिसेंट प्रपोजल में रॉबी रेडफोर्ड को डेमी मूर से करते देखा था, वैसे ही। कैसे? ये भी मैं बताऊं? यूं पकड़ा था, यूं किया था। आती हूं? पागल हो गई, अब हो गया है।
I love her, I love her, I love her. Zim, 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 Zim. यार जल्दी कर, देर हो रही है, चल ना। हाँ हाँ चल चल, जल्दी कर। अच्छा जिम, अबे ये तूने क्या लगाया हुआ है, लिपस्टिक? जिम जमीन। अबे तू ठीक तो है ना? पता नहीं तुझे क्या हो गया है आज। चल गाड़ी चला, चांद इंतजार कर रही होगी, गाड़ी चला। अबे जल्दी कर, गाड़ी चला। Yes, I can do it. Good. Thank you. सुनो, रिहर्सल कर लो। हाँ, I love you. इधर नहीं, उधर यार। Of course. सुनो, अब तुम वापस आओगे तो मैं शायद तुम्हें ना मिलूं। वो मेरा म्यूजिक कंपटीशन है ना, तो उस सिलसिले में मैं कनाडा चली जाऊंगी। तुम वक्त जाया मत करना और चांद के सामने अपना दिल खोल के रख देना। मैंने वादा किया था ना कि तुम्हें चांद के घर ड्रॉप करूंगी। मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम्हें चांद मिल जाएगी और मुझे शोहरत। अपना ख्याल रखना, बेस्ट ऑफ लक। ओए क्या क्या पागल हो गया? ये जो तेरे चेहरे पे 12 बजे है ना, ये मैं अभी आके ठीक करता हूँ। और ये जो तू सब और फॉर बोल रहा है ना, इसकी वजह भी जानूंगा मैं। जरा हो आऊ पागल। जान ना मिल सका, कोई बात नहीं, कम से कम चमकता हुआ तो नजर आएगा। पागल हो गया? तू घर पहुंच, मैं तुझे पूछूंगा। इमरान, इमरान कहो क्या बात है? वो एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। ए क्या बात है? आई लव यू। अभी इधर नहीं यार, उधर बोलना है, उधर उधर नहीं, इधर इधर बोल रहा है। आई लव यू जमीन, आई लव यू। तुम आ गए?
मैं चांद को लेने आई हूं सेठ रसियुद्दीन। मुझे चांद चाहिए। मैं आपको छोड़कर जा रही हूं पापा, जानते हैं क्यों? इसलिए कि आपने दौलत की खातिर अपने गहरे रिश्तों को छोड़ दिया था। डरती हूं कहीं आप कहीं मुझे भी ना छोड़ दें। मैं आपको बहुत मिस करूंगी पापा। बरसों पहले भी उससे मेरे अपने जुदा हुए थे, आज तुम भी अकेला छोड़कर जा रही हो। शायद मेरी तकदीर में सुख नहीं है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ मैं मां। गुजरे हुए हर लम्हे के माथे पर मैंने तुम्हारी यादों की तहरीर लिखी है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है मैं मां, बहुत मिस किया है। मैं तुम लोगों के बगैर जी नहीं पाऊंगा। रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। मुझे रोकना चाहते हो? हाँ, मुझे रोकना चाहते हो? तुम मेरी आंखों से तब का वो सैलाब वापस कर दो जो तुम्हारे एहसास की बंजर जमीन में जन्म हो चुका है। मुझे रोकना चाहती हूँ, रुक जाती हूँ मैं, लेकिन मेरे बेटे को उसका वो मासूम बचपन वापस कर दो जिसने इसे महरूमियों के सिवाय और कुछ नहीं दिया। आज मैं अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं के समंदर को रोकूंगी नहीं रसी। आज मैं यही समझूंगी कि काफला एक बार फिर लुट गया। ऐसा मत कहो मायमा, ऐसा मत कहो। तुम अपनी ऊंची ख्वाहिश के कांधों पर खड़े होकर आसमान के सीने से सितारे नोचना चाहते थे नाराजी, मगर आसमान तुम पर इसलिए गिर पड़ा कि सितारे नोचना और तोड़ना तुम जैसे ख्वाब देखने वालों की आदत है। महिमा, मेरी आंख खुलने के बाद आज तक मेरी आंखों से उन ख्वाबों की किरचियां गिरती है। मैं तो उसी रोज जान गया था कि ख्वाब कांच के होते हैं, उन्हें सिर्फ देखा जाता है, उनसे आंखें नहीं फोड़ी जाती। तुम्हारी जुदाई ने मुझे बहुत दुख दिया है माया मां, बहुत दुख दिया है। अमार दुख सह नहीं सकता माया मां, दुख सह नहीं सकता। आज मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है बाबा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मेरे पास। दौलतमंद लोग रोते हुए अच्छे नहीं लगते। तुम एक सरमायादार हो, इस दौलत के मालिक हो। जाओ जाओ, अगर खरीद सकते हो तो एक घर खरीदो, कुछ प्यार भरे लम्हे और एक बेटा खरीद लो। तो चाह चुका हूँ बाबा के रिश्ते बाजारों में नहीं बिकते। बहुत देर बाद जाना है तुमने रसी, इट्स टू लेट। चलो सैन। सैन बेटे, तुम ही अपनी बाबा को कुछ समझाओ। उसे कहो बेटे, उसे कहो कि अपने गुनाहगार को माफ कर दे बेटा, उसे कहो। बेवफाई के इस खेल में आपने क्या खोया है और क्या पाया है सोचिएगा जरूर सेठ साहब। तुम इस कदर कंगाल हो चुके हो कि अब तुम हमें कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं। जान भी दे दूं तू कहे ओ जाने जाना, Thank you.
दे दूं तू कर।